नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स हब यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और भगा मत करो यार, मैं पहले ही बता चुका हूँ ये चैनल मेरा नहीं है। तो होता क्या है, अनअकैडमी टीम से सेशन क्रिएट किया जाता है, फिर वहाँ से एक स्ट्रीम की दी जाती है, वो स्ट्रीम की मुझे पेस्ट करके लगानी होती है। लगाने के बाद जब मैं स्टार्ट स्ट्रीमिंग करता हूँ, अगर कुछ एरर आ गया तो फिर मुझे कॉल करना पड़ता है, फिर वो चेक करते हैं, फिर मुझे रिप्लाई करते हैं, फिर उस नई स्ट्रीम की को लगाना पड़ता है। तो कभी कभार ये चीज़ें हो जाती है, तो थोड़ा वेट किया करो, पेशेंस रखा करो। 10 मिनट 15 मिनट तक मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा लेट होता है मतलब क्लास कैंसिल। मैक्सिमम 15 मिनट, उससे ज़्यादा क्लास कैंसिल, ठीक है। तो 15 मिनट तक एटलीस्ट रुका करो या थोड़ी देर बाद आके स्टार्ट करके देख लिया करो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। मैं प्लस पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। और अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक या प्लस का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। इससे आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, सारे सब्जेक्ट, सारे टीचर्स की क्लासेस देख सकते हैं। कोड है AL10। अभी मेरे टोटल 3 कोर्सेज चल रहे हैं एट प्रेजेंट, तो आप वो सारे के सारे 3 कोर्सेज और पुराने जितने भी कोर्सेज हैं मेरे वो सारे देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों, 3 मिनट का समय है। 8 क्वेश्चन करेंगे हम, 100 पजल की सीरीज़ ये हम स्टार्ट किए हैं फिर से, और ये सीरीज़ 2 जगह हो रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सॉल्व हो चुका होगा, अभी तक काफ़ी समय तो मिल गया है। स्टार्ट करते हैं, जिनका नहीं बिना बना क्वेश्चन एक बार नो लिख दीजिए जल्दी से, ताकि पता चल सके किनका किनका सॉल्व नहीं हुआ है। जल्दी से एक बार नो लिख दीजिए कमेंट में। निधि जी क्या पूछ रहे हो भाई, क्या क्या रिप्लाई करना है? सर मेरा पीटी ट्रेनिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मेरा फॉर्म गलत तो नहीं भर गया, पूरा फिल कर दिया है।
निधि जी नहीं भी आ रहा, दिक्कत वाली बात नहीं, आपका एडमिट कार्ड आना चाहिए बस, और बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड आ जाए तो बस कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। चलिए, काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे नहीं सॉल्व हुआ, तो इधर ध्यान दीजिए दोस्तों। इसमें करना क्या है आपको, पूरा 8% STUVWXYZ आर सिटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल रो, एक हॉरिजॉन्टल रो में टोटल 8% बैठे हुए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 लोग बैठे हुए हैं। अब पूरा 4 ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल द रेस्ट आर फेसिंग साउथ, मतलब 4 नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, 4 साउथ की तरफ देख रहे हैं। टी इज द थर्ड पर्सन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, टी जो है वो किसी एक एंड से थर्ड पे है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टी को यहाँ पर रख देते हैं। इधर से भी हो सकता था, पर आप किधर भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आंसर सही आता है। ऐसा नहीं है कि एक बार यहाँ बना लेते हैं एक बार यहाँ बना लेते हैं, इधर ही बनाओगे तो भी आंसर आएगा, इधर बनाओगे तो भी आंसर आएगा और सही आंसर आएगा। टू पीपल सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेस इन द सेम डायरेक्शन, एंड वाले जो है वो सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। आगे बोल रहा है थ्री पीपल सिट बिटवीन वाई एंड एक्स, वाई और एक्स के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। नेबर्स ऑफ डब्ल्यू फेस इन द सेम डायरेक्शन, डब्ल्यू के नेबर जो हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं, ठीक है, बट ऑपोजिट टू डब्ल्यू, ऑपोजिट टू डब्ल्यू। आगे बोल रहे हैं नीदर एक्स नॉट डब्ल्यू सीट एट द एक्सट्रीम एंड, डब्ल्यू और एक्स जो है वो एंड पे नहीं बैठते, डब्ल्यू और एक्स जो है वो एंड पे नहीं बैठते। वी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एस, वी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट साइड में वी बैठा हुआ है। एस हु सिट्स एडजेसेंट टू नीदर जेड नॉर यू, एस हु सिट्स एडजेसेंट टू नीदर जेड नॉर यू, जेड और यू के एडजेसेंट में एस नहीं बैठता, मतलब एस ये 3 जगह पे नहीं आएगा। वाई सिट्स एडजेसेंट टू टी, वाई जो है ये टी के एडजेसेंट बैठा हुआ है एंड फेसेस साउथ, और वाई जो है वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है, यहां लिख देते हैं साउथ। आगे बोल रहा है वी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू यू, वी जो है वो यू के एडजेसेंट नहीं है, मतलब वी यहां पर ऐसे नहीं आना चाहिए, डज नॉट सिट एडजेसेंट टू यू। जेड एंड यू आर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर, जेड एंड यू आर सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ईच अदर। U के सेकंड टू लेफ्ट में Z है, Z के सेकंड टू लेफ्ट में U है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हो गई, अब इससे स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि आपको पता है T यहां पर सेट है, T के बगल में Y होना चाहिए, या तो लेफ्ट में हो सकता है या तो राइट में हो सकता है, तो देखते हैं कहां पर हो सकता है। एक बार इस तरफ ले लेते हैं, तो एक बार अगर मैं इस तरफ ले लूं Y को, तो Y से आपको पता है 3 छोड़कर X है, तो 1, 2, 3 छोड़कर ये हो गया X, ठीक। Y से 3 छोड़कर X हो गया। इसके अलावा और यहां पर क्या सेट कर सकते हैं हम, W और X एंड पे नहीं बैठे हैं, मतलब W जो है वो एंड पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। U से 1 छोड़कर Z आपको सेट करना है, तो U से 1 छोड़कर Z के लिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यही वाली जगह दिख रही है, U Z, इसके अलावा और कोई भी जगह नहीं है, ठीक है। एक इस तरफ फेस कर रहा होगा, एक इस तरफ फेस कर रहा होगा। अब कौन कहां पर आया है ये हमको अभी नहीं पता, इसके बाद और देखो दोस्तों क्या है, आपको Z के बगल में S नहीं होना चाहिए, U के बगल में भी S नहीं होना चाहिए। देखो U चाहे Z कुछ भी आए, S यहां पर नहीं हो सकता इसके बगल में, U चाहे Z कुछ भी यहां पर आए, S इसके बगल में नहीं हो सकता। अगर ये दोनों जगह पे S नहीं हो सकता, मतलब S हो जाएगा यहां पर, ठीक। अब S के लेफ्ट की तरफ में V है, मतलब ये नीचे की तरफ देख रहा होगा, तभी लेफ्ट में V हो पाएगा, और V आपको पता है U के बगल में नहीं है, V आपको पता है कि U के बगल में नहीं है, तो U के बगल में अगर V नहीं है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कुछ तो छूट रहा है, एक मिनट रुको। Y के बगल में T है, Y साउथ की तरफ फेस कर रहा है, 3 छोड़कर X, ठीक है। अच्छा, एंड वाले सेम डायरेक्शन, ये देखो अगर ये नीचे की तरफ देख रहा है तो ये भी नीचे की तरफ देखेगा, ठीक है। W और X एंड पे नहीं है, यहां से सेट हो जाएगा, ये देखो। अब आपके पास W बचा हुआ है, तो दोस्तों W यहीं पर आएगा, क्योंकि W एंड पे नहीं आना चाहिए, तो W को यहां पर सेट कर दो। बचा था V, उस V को यहां पर सेट कर देते हैं। अब आपको क्या पता है भाई कि V जो है वो U के बगल में नहीं है, तो अगर V U के बगल में नहीं है तो यहां पर Z आ जाएगा और यहां पर U आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा सेट हो चुका है क्वेश्चन।
बस अब हमको डायरेक्शन सेट करने हैं, तो डायरेक्शन देखते हैं कैसे सेट करेंगे। W के अगल बगल वाले सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, तो W के अगल बगल वाले मतलब ये नीचे देख रहा है तो ये भी नीचे देखेगा, और ऑपोजिट टू W है मतलब कि W ऊपर की तरफ देखेगा। अब देखो चार लोग आपके नीचे डायरेक्शन फेस करने वाले मिल चुके हैं, तो मतलब बाकी के जो चार होंगे वो ऊपर की तरफ ही फेस करेंगे, तो एक दो तीन और ये चार, चार लोग हो गए ऊपर की तरफ फेस करने वाले। अब दोस्तों हमको पता है वाई जो है वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो अगर वाई ऊपर की तरफ देख रहा है मतलब साउथ ऊपर था और नॉर्थ नीचे था, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एक बार चेक कर लीजिए आंसर, जल्दी से मैच कर लीजिए। ठीक है चलो चेक करते हैं आंसर। एस वाई टी डब्ल्यू यू एक्स जेड वी बिल्कुल सही है। अब ये भी देख लेते हैं कि साउथ की तरफ कितने लोग फेस कर रहे हैं, तो वाई डब्ल्यू एक्स और वी एक्स और जेड, वाई डब्ल्यू एक्स और जेड ये लोग साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, वाई डब्ल्यू एक्स और जेड ये लोग साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, सही है। इसको बस आपको ऐसे पलट देना है, उल्टा दिखेगा आपको बस, क्योंकि हमने डायरेक्शन अपना पलट दिया है, हमने साउथ ऊपर लिया है तो ये पूरा का पूरा पलट जाएगा, तो इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है आंसर सही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जल्दी से बनाइए, 3 मिनट का समय है।
चलिए, काफ़ी सारे लोगों के डन के मैसेज आ रहे हैं। जिनका नहीं सॉल्व हुआ जल्दी से एक बार नो लिख दीजिए, जल्दी से एक बार कमेंट में नो लिख दो जिनका सॉल्व नहीं हो पाया। स्टार्ट करते हैं फिर। क्लर्क एंड पीओ दोनों टाइप के लेवल होंगे दोस्तों इस सीरीज़ में। अगर आप कंटिन्यू सीरीज़ को देखते हैं तो लगभग सारे लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्लर्क भी होगा पीओ भी होगा, सारे एग्ज़ाम के, सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स के मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, एट पीपल एस टू जेड आर लिविंग इन अ फोर स्टोरी बिल्डिंग सच दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज वन, अबव इट इज टू एंड सो ऑन, टॉप मोस्ट फ्लोर इज फोर, ईच ऑफ द फ्लोर हैज टू फ्लैट्स, फ्लैट वाई एंड फ्लैट जेड, फ्लैट वाई और फ्लोर टू फलाना फलाना फलाना, फ्लैट वाई इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट जेड, फ्लैट वाई जो है वो जेड के लेफ्ट की तरफ में है, वेस्ट की तरफ में है जेड से। तो यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि भाई वाई वाला इधर है, जेड वाला इधर है और टोटल चार फ्लोर की बिल्डिंग है, तो चार तीन दो एक, ये कुछ इस प्रकार से ऐसा बनेगा, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है आगे, जेड लिव्स टू द ईस्ट ऑफ एक्स, जेड जो है वो ईस्ट की तरफ में रहता है एक्स से, ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, और ऑड नंबर के फ्लोर पे है ये, ऑड फ्लोर पे, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, यू लिव्स इमीडिएटली अबाउ वी, यू जो है वो इमीडिएट वी के ऊपर रहता है, एंड बोथ लिव इन द सेम फ्लैट, दोनों के दोनों सेम फ्लैट पे रहते हैं, तो ऐसे बॉक्स बना दो कि भाई सेम सेम फ्लैट में होंगे। आगे आपको बोल रहा है, देयर इज अ गैप ऑफ वन फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑफ एस एंड यू, तो गैप है एस और यू के बीच में एक फ्लोर का, तो देयर इज अ गैप ऑफ वन फ्लोर बिटवीन एस एंड यू, नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एस, एस के वेस्ट में कुछ भी नहीं है, तो एस के वेस्ट में कुछ नहीं है, मतलब एस यहां पर आएगा इस वाले में, इसके वेस्ट में कुछ नहीं है। आगे आपको बोल रहा है, वी लिव्स थ्री फ्लोर बिलो टी, वी जो है वो थ्री फ्लोर बिलो है टी से, तो टी से एक दो ये वी हो गया ऐसे नीचे की तरफ, एंड बोथ लिव इन द सेम फ्लैट जेड, दोनों के दोनों जो है वो सेम फ्लैट में रहते हैं जेड में, तो जेड में दोनों सेम रहते हैं, मतलब टी से दो छोड़कर वी रखना है, टी से दो छोड़कर वी यहां पर आ गया। अब क्या बोल रहा है, W does not live on the floor number वन, W जो है वो फ्लोर नंबर वन पे नहीं है, मतलब W यहां पर इस वाले में नहीं आ सकता। अब दोस्तों हमको एक चीज पता है कि भाई V के ऊपर आपको U रखना है, अगर मैं V के जस्ट ऊपर यहां पर U को रख देता हूं ऐसा, तो ये कंडीशन हो गई, U से एक छोड़कर S रखना है, तो U से एक छोड़कर S यहां पर आ जाएगा। अब X और Z के लिए सिर्फ यही वाली जगह दिख रही है कि X को यहां पर रख दो, Z को यहां पर रख दो, W अगर यहां पर नहीं आ सकता तो W यहां पर आ जाएगा। एक लास्ट में क्या नाम बच गया जल्दी से बता दो, ये क्लर्क लेवल था, ठीक है, एक नाम क्या बच गया जल्दी बताओ कमेंट में, SBI क्लर्क लेवल है ये क्वेश्चन। S T U V W X Y, Y बचा हुआ है, Y को यहां रख देते हैं, ये सॉल्व हो गया। डेली का टाइमिंग क्या है, डेली का टाइमिंग यही रहेगा, कल नहीं होगी क्लास, कल नहीं होगी क्लास, ठीक है। बाकी बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल पे दोपहर 12 बजे हो रही है डेली, दो दिन हो चुके हैं, आज दूसरी क्लास हो चुकी है, तो बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पे दोपहर 12 बजे हो रही है और इस पे 7 बजे हुआ करेगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आंसर चेक करते हैं। एक्स एस एक्स डब्ल्यू वाई, एस एक्स डब्ल्यू वाई, टी जेड यू वी, टी जेड यू वी बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 3 मिनट का समय है, जल्दी बनाने की कोशिश करिए।
चलिए दोस्तों, डन के मैसेज आ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ सॉल्व हो गया होगा। कितने लोगों का सॉल्व नहीं हुआ जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, फटाफट नो लिख दीजिए जल्दी से जिनका सॉल्व नहीं हुआ। इतनी देर में सॉल्व हो जाना चाहिए था, अगर नहीं हुआ तो नो लिख दीजिए। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 6% ए बी सी डी ई एफ आर पेइंग देयर क्रेडिट कार्ड मिनिमम ड्यू इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर 1 से लेकर अक्टूबर 7 तक जो कि सैटरडे है। तो संडे से स्टार्ट करेंगे, तो संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये 1 तारीख से लेकर ये 7 तारीख है, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, आगे यहां पर बोल रहा है नो वन पेज अ ड्यू ऑन वन ऑफ द डेज, नो वन पेज अ ड्यूज ऑन, अच्छा 6 लोग हैं तो एक दिन वैकेंट रहेगा ऐसा बोल रहा है। बी इज पेइंग द ड्यू ऑन ट्यूजडे, बी जो है वो ट्यूजडे के दिन पे करता है, ठीक है। E is paying the due on the days before B. E जो है वो B के पहले होना चाहिए, तो या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। उसके बाद बोल रहा है 2% are paying their dues between B and D. तो B और D के बीच में 2 लोग हैं, तो B से 2 छोड़कर ऊपर कुछ नहीं हो सकता, B से 2 छोड़कर D यहाँ पर हो सकता है, बट ये गलत हो जाएगा क्योंकि एक वैकेंट है। तो वैकेंट वाले में दोस्तों ऐसा नहीं करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। हमेशा आप ऐसा लिखो B और D के बीच में 2 लोग हैं। द नंबर ऑफ पर्सन पेइंग देयर ड्यूज बिफोर ई इज सेम एज आफ्टर सी, ई के पहले जितने भी लोग होंगे उतने ही सी के बाद होंगे। यहां पर पर्सन की बात हो रहा है, प्लेसेस की बात होता तो पेयर बन जाता सीधा सीधा, पर ये पर्सन की बात हो रहा है। द नंबर ऑफ पर्सन पेइंग देयर ड्यूज बिफोर ई सेम एज आफ्टर सी, द नंबर ऑफ पर्सन पेइंग देयर ड्यूज बिफोर ई इज सेम, ये तो हो गया था। सी डज नॉट पे द ड्यू ऑन फ्राइडे, सी जो है वो फ्राइडे के दिन नहीं होना चाहिए। नो डे इज वैकेंट इन द फर्स्ट 2 डेज ऑफ द मंथ, तो पहले 2 दिनों में वैकेंट नहीं होगा, मतलब यहां पर वैकेंट नहीं हो सकता, यहां पर वैकेंट नहीं हो सकता। आगे क्या बोल रहा है आपको, द नंबर ऑफ डेज बिटवीन एफ एंड ए इज सेम एज बिटवीन एफ एंड डी, एफ और ए के बीच में जितना है उतना ही एफ और डी के बीच में होगा क्या? द नंबर ऑफ डेज, इनके बीच में डेज की बात हो रही है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर हम इसकी एक पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं कि बी के बीच में 2 लोग जो हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई बी के बीच में यहीं कहीं पर वैकेंट होगा, क्योंकि देखो ये 2 पे तो वैकेंट नहीं है, ये 2 पे तो वैकेंट नहीं है आखिरी में, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वैकेंट आखिरी में नहीं होगा, बीच में कहीं पर होगा यहां पर। तो बी में अगर यहां पर अगर कोई वैकेंट होता है, मतलब 2 ही लोग होंगे इतने जगह पर, तो बी से 2 छोड़कर डी यहां पर आ जाएगा, ठीक। अब दोस्तों सी तो यहां पर आ नहीं सकता, अगर सी यहां पर नहीं आ सकता तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई सी यहां पर हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं होगा, ये मत बोलना सर वहीं थोड़ी ना होगा, ऊपर भी तो हो सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं सी यहां नहीं हो सकता, यहां तो हो सकता है ना, हो सकता है, जरूरी नहीं है होगा। तो अगर सी यहां हो सकता है तो सी के नीचे कितने पर्सन दिख रहे हैं आपको अभी के हिसाब से? 2 पर्सन दिख रहे हैं। ऊपर 2 पर्सन दिखेंगे क्या? नहीं, ऊपर 2 पर्सन नहीं दिख सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई यहां पर आप ई को नहीं रख सकते ना। ई को यहां पर रखोगे तो एक ही पर्सन दिखेगा ऊपर, तो सी के नीचे भी एक ही पर्सन दिखना चाहिए, मतलब ये वैकेंट, ठीक। तो बचा क्या है दोस्तों, अब हमारे पास देखो डी एफ ए, तो डी से 2 छोड़कर एफ, एफ से 2 छोड़कर ए, क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सेम आया होगा, एक बार चेक कर लीजिए जल्दी से। चेक करते हैं, ए ई बी एफ सी वैकेंट, ए ई बी एफ सी वैकेंट डी, बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर। सब क्लर्क लेवल है दोस्तों, अभी तक कोई भी पीओ लेवल नहीं मिला है हमको क्वेश्चन। चलिए जल्दी से इसको बनाइए, 3 मिनट का समय है, 3 मिनट का समय है, इसको जल्दी से बनाने की कोशिश करिए।
चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के, जिनका नहीं बना जल्दी से नो लिख दीजिए एक बार कमेंट में, जिनसे सॉल्व नहीं हुआ नो लिख दीजिए, लिखा करो भैया, एक कमेंट करने में कोई ज़्यादा समय नहीं जाते, एक छोटा सा नो लिख दोगे एटलीस्ट पता चलेगा कि कितने लोगों से नहीं बना, वरना हर कोई यही सोचते रहेगा अरे यार सबसे बन जा रहा है सबसे बन जा रहा है, तो एटलीस्ट पता चलना चाहिए कितने लोगों से नहीं बना। आदित्य जी कह रहे हैं मॉक वाले पजल कराइए। आदित्य जी आपको मॉक वाले पजल करने हैं या वो पजल करने जो एग्जाम में आते हैं? ये एग्जाम में आते हैं, मॉक वाले एग्जाम में नहीं आते, वो सिर्फ मॉक में आते हैं। मेरा एग्जाम कब है पीओ का? मैंने अभी एडमिट कार्ड नहीं निकाला है अभी तक, तो एडमिट कार्ड आ गया होगा तो मैं देख के आप लोगों को बता दूंगा कि मेरा एग्जाम कब होने वाला है, और एग्जाम के बाद सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस भी आप लोगों को मिलेगा कि पेपर में क्या क्या लेवल आया था, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कितना कट ऑफ जा सकता है। 8% ADFHJMNO ONR आर सिटिंग इन अ स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो दोस्तों ये चारों के चारों, आठ के आठ लोग एक स्क्वायर टेबल पर बैठते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक स्क्वायर टेबल, ठीक है। 4% आर सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द साइड, तो मिडिल में चार लोग बैठते हैं, फोर कॉर्नर पर बैठते हैं, चार कॉर्नर पर बैठते हैं, ठीक है। ओनली 2% यहाँ से आप चालू करेंगे, तो सभी के सभी अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब इनसाइड फेस कर रहे हैं सभी के सभी। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मैं इस स्क्वायर को, ये जो स्क्वायर दिख रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसा काट दूँ कैंची से, ऐसे कैंची से मैंने ऐसे काट दिया और ये ऐसे पकड़ के इसको ऐसे मोड़ दिया, तो ये हमको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ऐसा स्ट्रेट। अरे सीधा आंसर ही दिख गया यार, और कुछ लोग लिखे हाँ सर ऐसा ही दिखेगा पूरा। तो ये जो है इसको अगर मैं यहाँ से काट दूँ ऐसा और इसको ऐसे पकड़ के ऐसा मोड़ दूँ, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बस वही चीज़ करना है हमको, इसको बोलते हैं थ्रेड मेथड। जब हम एक स्क्वायर को, सर्कल को, ट्रायंगल को, हेक्सागन को, पेंटागन को, रेक्टेंगल को जब ओपन कर देते हैं और एक स्ट्रेट लाइन में उसको सॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं थ्रेड मेथड। ओनली 2% आर सिटिंग बिटवीन ए एंड जे, हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द टेबल। ए और जे के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, जे जो कि मिड पे बैठा हुआ है। द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, जो भी जे के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, इज फेसिंग द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, इज फेसिंग द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। तो एफ के इमीडिएट राइट वाले को ये फेस कर रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि जे के इमीडिएट लेफ्ट वाला, एफ के इमीडिएट राइट वाला एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में तीन लोग होंगे। आठ लोगों के अरेंजमेंट में आमने सामने फेस करना, अपोजिट ऐसा कुछ भी दिखता है तो बीच में तीन लोग होंगे, ठीक है। तो ये वो तीन लोग ये देखो दिख रहे हैं इसके और इसके बीच में। आगे बोल रहा है आपको, एच इज एडजेसेंट टू नीदर ओ नॉर डी, ओ और डी के एडजेसेंट में एच नहीं है। एच सिट्स ईदर इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, एच जो है वो या तो इमीडिएट राइट में होगा या तो इमीडिएट लेफ्ट में होगा ए से, या तो इमीडिएट राइट में होगा या तो इमीडिएट लेफ्ट में होगा, तो या तो इसका डायरेक्शन ऐसा होगा या तो इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक। तो इसको दोस्तों हम ऐसा बना सकते हैं कि ए का नेबर होगा एच, अब चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो। आगे बोला, आर सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड टू लेफ्ट में जो भी बैठता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इस बंदे के ऑपोजिट में कौन बैठा हुआ है, आर सिट्स ऑपोजिट, तो इससे 3% छोड़कर, 1, 2, 3 छोड़कर यहां पर आर बैठा हुआ है, इस बंदे से 3% छोड़कर आर बैठा हुआ है, चाहे इधर से लिख लो चाहे इधर से लिख लो, बात एक ही होती है। आगे बोल रहा है, ओनली 1% सिट बिटवीन ओ एंड डी, ओ और डी के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1% बैठता है। M इज एडजेसेंट टू नीदर O नॉर F, O और F के एडजेसेंट में M नहीं है, तो M यहाँ पर इन दो जगह पे नहीं आएगा और M इस O के बगल में भी नहीं आएगा। अब दोस्तों ये वाली कंडीशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो स्टार्ट कर देते, कहीं पर भी रख दो, आपकी मर्जी है भाई, घर की खेती है, कहीं भी रख दो। तो R को हमने यहाँ पर रख दिया, डायरेक्शन ऊपर दे दिया, सभी के सभी इनसाइड फेस कर रहे हैं, मतलब सब ऊपर की तरफ ही फेस करेंगे। R के लेफ्ट में F, यहाँ पर आ गया F, F से 1, 2, 3, 4, 5 छोड़कर J है, तो F से 1, 2, 3, 4, 5 छोड़कर J यहाँ पर आ जाएगा। अब A से 2 छोड़कर J है, तो J से
दो छोड़कर यहां तो ए आ नहीं सकता, तो जे से इस तरफ कुछ नहीं है, मतलब दो छोड़कर यहां पर ए आ जाएगा। ठीक, अब क्या सेट करें यार, O से एक छोड़कर D आपको रखना है और इसके बगल में आप H नहीं रख सकते। देखो H कहां पर आएगा भाई, H या तो यहां पर आएगा, H या तो यहां पर आएगा। अब O से एक छोड़कर अगर आपको D रखना है तो उसके लिए कौन सी जगह बच रही है? आप O से एक छोड़कर D जो है ना अगर यहां पर रख दोगे तो H के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो इस दो जगह पर आप O और D को नहीं रख सकते, तो ये वाली जगह से एक छोड़कर यहां भी नहीं रख सकते, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी लास्ट पॉसिबिलिटी कौन सी बनती है? यहां पर एक को रख दो, एक छोड़कर यहां पर एक को रख दो। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, ओ ऑब्लिक डी, एक छोड़कर ओ ऑब्लिक डी। अब देखो दोस्तों, ओ और डी दोनों के ही बगल में एच नहीं है, तो अगर ओ और डी यहां पर कुछ भी आ जाए इसके बगल में एच नहीं आ सकता, मतलब एच यहीं पर आएगा कंफर्म। अब देखो एफ के बगल में एम नहीं आना चाहिए, तो वैसे भी एफ के बगल में एम नहीं आ रहा, एम तो यहां पर आएगा। और क्या पता है आपको दोस्तों, O के बगल में M नहीं आएगा, तो अगर O के बगल में M नहीं आएगा तो यहां पर O नहीं आ सकता, यहां पर D आएगा और O जो था वो यहां पर कंफर्म हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, चेक करिए सभी का आंसर सेम आ रहा है। दोस्तों देखो एक चीज आप लोगों को पहले ही बता दूं, यहां पर जितने भी बिगिनर्स हैं, ठीक है, हर वो बिगिनर एग्जाम निकालने में दो दो तीन तीन साल लगा देता है जो शुरुआत में नहीं समझ पाता कि उसको क्या करना है। शुरुआत में सब कोई भटकते रहते हैं, सबको पता नहीं होता कि करना क्या, एक्चुअल एग्जाम निकाला कैसे जाता है, कितने छः महीने से एक साल के अंदर एग्जाम निकल जाता है। बट आपको सही टेक्निक, सही अप्रोच पता होनी चाहिए। अगर आप यही बनाए पड़ो ऐसे गोला गोला बना रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और आप कुछ भी कुछ किए जा रहे हो। अब पिछला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पिछले क्वेश्चन में दो दो लाइन बनाए पड़े हैं, ऐसा टी जो है वो एंड से थर्ड पे है, 1 2 3 यहाँ पर टी रख दिए, 1 2 3 यहाँ पर टी रख दिए। ये सब चीज़ें करते रहोगे तो 6 महीने साल भर क्या 1.5 साल तक भी शायद ना निकले पेपर, 2 साल तक भी शायद ना निकले। कुछ नया करो, कुछ अच्छी चीज़ें करो जिससे जल्दी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हों। सीखने की कोशिश करोगे तभी चीज़ें सीख पाओगे। काफ़ी लोग बोलते हैं सर नहीं बनता, हमको ये चीज़ समझ में नहीं आती। समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि आप समझना की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप जिस दिन ठान लोगे ना मुझे ये सीखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में मुझे ये सीखना है, आप सीख ही जाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको सीखने के लिए। आंसर चेक करते हैं, JOFRHAMD, बिल्कुल सही, परफेक्ट, 100%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 4 मिनट का समय है दोस्तों, जल्दी बनाने की कोशिश करिए इसको। अब ये थोड़ा सा पीओ लेवल का क्वेश्चन लग रहा है।
सर इसका नोट्स कैसे मिलेगा? इसके नोट्स की ज़रूरत नहीं है, इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिएगा एट द रेट बैंकर्स 10। ये सर्च करेंगे तो आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसने नहीं किया है, मेरी प्रोफाइल सर्च कर लीजिएगा अंकुश लांबा और उसको फॉलो कर लीजिएगा। अभी तक बैंकिंग कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं दोस्तों, तो उसमें आप भी थोड़ा सा योगदान दे दीजिए फॉलो करके। 5,02,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, आप भी फॉलो कर लीजिए। इससे आप लोगों को मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस होती हैं और जितने भी नए कोर्सेस आते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। बहुत ही कम लोगों का डन का मैसेज आया है अभी। हो गया सॉल्व। चलिए दोस्तों जिनसे नहीं बन पाया जल्दी से नो लिख दीजिए तो मैं स्टार्ट करता हूं फिर। जिनसे नहीं बन पाया जल्दी से नो लिख दीजिए एक बार कमेंट में, मैं स्टार्ट करता हूं फिर इसको बनाना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो डन के मैसेज आ रहे हैं काफ़ी लोगों के। देखिए यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में, इसमें बोल रहा है आपको 8 फ्रेंड LMNO WXYZ दे प्ले डिफरेंट गेम्स बेसबॉल कबड्डी जूडो डूम फॉर्टनाइट है स्क्वैश टीटी एंड स्केट बोर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अलग अलग गेम्स के नाम दिए हुए हैं। Not necessarily in the same order. They are born in January, April, May and September on dates 17 and 28. No one is born on the same day. तो dates आपको 17 और 28 तारीख दी हुई है, तो इसको बनाने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। हमेशा इसी तरीके से बनाना। अगर आप लोग आज तक इस तरीके से बना नहीं रहे थे तो अब से इसी तरीके से बनाइएगा। ठीक है, 17 और 28 तारीख आपको दी हुई है, यहाँ पर लिख लेते हैं 17, 28, फिर 17, फिर 28, फिर 17, 28, 17 और 28। इसको कुछ लोग इस तरीके से बनाते हैं, 17 और 28 लिख के यहाँ पर चार मंथ लिख लेते हैं और ऐसा करके बनाते हैं। तो ऐसा बनाएंगे दोस्तों, कुछ क्वेश्चन तो आपसे जल्दी बन जाएंगे लेकिन 70% ऑफ द क्वेश्चंस आपसे बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगेंगे, आपको फंसेंगे आप लोग। तो इस तरीके से कभी मत बनाइएगा। अगर बनाते थे तो आज ही अभी छोड़ दीजिए, सही समय है अभी, तो बहुत ज़्यादा ऐसा देर नहीं हुई है।
तो इस तरीके से आपको बनाना है। और यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जो मंथ होते हैं ना, मंथ को ऐसे सेपरेट कर लीजिए, थोड़ा ये बड़ी लाइन ऐसे खींच लीजिए, ठीक। अब मंथ की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन कौन से मंथ आपको दिए हुए हैं, मंथ दिया है जनवरी, अप्रैल, मई एंड सितंबर। जनवरी, अप्रैल, मई, सितंबर, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये चार मंथ दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा मंथ कितने दिन का है, होता है ये देख लेते हैं। तो जनवरी 31 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का, ये 31 दिन का, सितंबर 30 दिन का, ठीक है। द वन हू लाइक जूडो, यहां से स्टार्ट करेंगे। द वन हू लाइक जूडो इज बॉर्न ऑन 17 अप्रैल, 17 अप्रैल को बॉर्न हुआ है जिस जो भी जूडो पसंद करता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ऐसे, जूडो। आगे आपको बोल रहा है वाई प्लेज स्क्वैश, वाई जो है वो स्क्वैश खेलता है, वाई जो है ये स्क्वैश खेलता है। एंड ही इज बॉर्न इन इवन नंबर डेट ऑफ अ मंथ विच हैज 31 डेज, तो 31 डेज वाले में 28 तारीख को ये बॉर्न हुआ होगा, 28 तारीख को ये बॉर्न हुआ है 31 डेज वाले मंथ में, यानी कि या तो इस मंथ की 28 या तो यहां पर होगा, या तो इस मंथ की 28 यानी कि यहां पर होगा। तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है, अभी कुछ नहीं बनाना है हमको। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, ओनली 2% बॉर्न बिटवीन एम एंड वाई एंड वन ऑफ देम इज प्लेइंग टीटी एंड अनदर वन इज डब्ल्यू, हु डज नॉट प्ले स्केटबोर्ड, है क्या बोल रहा है। ओनली 2% बॉर्न बिटवीन एम एंड वाई एंड वन ऑफ देम इज प्लेइंग टीटी एंड अनदर वन इज डब्ल्यू, अच्छा उनके बीच के बंदों की बात कर रहा है। यहां पर क्या बोल रहा है, ओनली 2% वर बॉर्न बिटवीन एम एंड वाई, एम और वाई के बीच में 2 ही पर्सन है, जिसमें से एक जो है वो डब्ल्यू है और एक टीटी है, और डब्ल्यू जो है वो स्केटबोर्डिंग नहीं करता, ठीक है। आगे आपको क्या बोल रहा है, एन इज बॉर्न जस्ट बिफोर एक्स, एन जो है वो एक्स के जस्ट पहले बॉर्न हुआ है, बट समवेयर आफ्टर डब्ल्यू, लेकिन डब्ल्यू के बाद कहीं पर बॉर्न हुआ है, तो बाद में कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए बीच में एरो दिए हैं, ये जस्ट ऊपर था इसलिए साइड में एरो दिए हैं। आगे आपको क्या बोल रहा है, Z is born in a month which has 30 days. Z जो है वो 30 days वाले month में है, मतलब या तो Z यहाँ पर होगा या तो Z इस वाले month में होगा। W was born in one of the month having 31 days. W जो है वो 31 days वाले month में born होता है, मतलब या तो W यहाँ पर होगा या तो W यहाँ पर होगा। TT is neither played by L nor O. TT जो है ये L और O नहीं खेलते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओ हु इज नॉट द यंगेस्ट, ओ जो कि यंगेस्ट नहीं है, मतलब यहां पर ओ नहीं आना चाहिए। ओनली 5% आर बॉर्न बिटवीन द वन हु प्ले बेसबॉल एंड फोर्टनाइट, बेसबॉल और फोर्टनाइट के बीच में 5 लोग होने चाहिए, तो यहां पर लिख देते हैं बेसबॉल 5 लोग, फोर्टनाइट। उसके बाद क्या बोला है, एंड ओ नीदर प्लेज बेसबॉल नॉर फोर्टनाइट, तो ओ जो है वो ना तो बेसबॉल खेलता है ना तो फोर्टनाइट खेलता है। The one who plays baseball is just before the one who plays कबड्डी, तो baseball वाला कबड्डी के जस्ट ऊपर है, यहां पर लिख लेते हैं भाई baseball वाला कबड्डी के जस्ट ऊपर है, ये हो गया कबड्डी 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 विच इज प्लेस्ड बाई इधर ओ और एम, कबड्डी जो कि ओ और एम में से कोई एक खेलता है, हो गया सारी कंडीशन हो गई, स्टार्ट करते हैं। आप पहले तो थोड़ा सा कंडीशंस को देखेंगे, सोचेंगे कहाँ क्या रख सकते हैं, अट्ठाईस तारीख को वाई स्क्वैश होना चाहिए, वाई से रिलेटेड 2 छोड़कर एम है हमारे पास, तो 28 तारीख को हम रख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 28 वाई स्क्वैश आपको लेना है, आपके पास 2 जगह है, 31 वाला जो मंथ है वो ये है, यहाँ पर 28 आ सकता है या तो यहां पर 28 आ सकता है, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाएंगे। मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है, देखो मिनिमम पॉसिबिलिटी ये होती है कि इस 28 पर अगर आप ले रहे हो तो नीचे 2 आपको दिख रहे, नीचे से ऊपर से देखो, नीचे से 2 ऊपर से बहुत ज्यादा दिख रहे, इस वाले को देखो, इस वाले 28 ऊपर से 1 दिख रहा है, तो 2 और 1 में मिनिमम 1 होता है, मतलब पास जो है टॉप से या बॉटम से जो भी पास होगा, तो ये सबसे पास दिख रहा है, यहां पर पहले लो और चेक करो, ये सही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, गलत भी होता है ना, तो ऐसा मत सोचना कि कोई ट्रिक बता दी सर ने, ये तो हर बार सही हो जाएगा, हमको तो जादू वो मिल गया, रामदेव बाबा रामदेव का चूरण मिल गया, खाएंगे पजल बनाएंगे पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये गलत भी होता है, पर इससे पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट हो जाती हैं बहुत सारी, और बहुत बार आपके क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। तो W यहां पर आपने रख दिया,
डब्ल्यू नहीं यार, वाई बोला था ना, मैं डब्ल्यू क्यों रख रहा हूँ? कोई बताता भी नहीं है यार। अब देखो y जैसे ही मिल गया, दो छोड़कर m रखना है तो दो छोड़कर m यहां पर आ जाएगा। हमको पता है y और m के बीच में w होना चाहिए, तो ये देखो y और m के बीच में w यहां पर आ सकता है क्या? ये देखो यहां पर w नहीं आ सकता। हमको पता है कि w जो है वो 31 वाले मंथ में आना चाहिए। गलत हो गया, तुरंत पता चल गई कंडीशन गलत हो गई, एलिमिनेट हो गई कंडीशन तुरंत। ये फायदा मिलता है मिनिमम पॉसिबिलिटी से। अब आपको इस पॉसिबिलिटी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही गलत हो गया। अब चेक करेंगे भाई W, सॉरी Y, Y कहाँ पर? 31 वाले में यहाँ पर। Y से दो छोड़कर M, दो छोड़कर M, Y और M के बीच में W कहाँ पर रख सकते हो? यहाँ पर रख सकते हो। अब क्या बच गया दोस्तों हमारे पास? देखो Y जो है ये स्क्वैश खेलता है, तो Y में लिख देते हैं स्क्वैश। W के नीचे N और X रखना है साथ में, तो N और X यहां पर आ जाएगा। N और X देखो कबड्डी O या M में से कोई एक खेल रहा है, ठीक है, कबड्डी O या M में से कोई एक खेल रहा है और बेसबॉल के नीचे आना चाहिए। अगर बेसबॉल यहां रखोगे तो यहां कबड्डी होगा, पर यहां O और M नहीं है, मतलब यहां नहीं रख सकते। अगर यहां आप रखोगे बेसबॉल, यहां कबड्डी रखोगे, पर यहां O और M में से कोई भी नहीं है, तो डेफिनेटली बेसबॉल को यहीं पर रखना पड़ेगा और कबड्डी को यहां पर रखना पड़ेगा। तो आपको बोला था M या O में से कोई एक होगा, तो भाई M तो यहां हो चुका है, O को यहां रख देते हैं, तो O खेलेगा कबड्डी। अब बेसबॉल से पांच छोड़कर फोर्टनाइट है, तो बेसबॉल से एक दो तीन चार पांच छोड़कर यहां पर हो गया फोर्टनाइट। क्या बच गया दोस्तों और आपके पास? Z रखने के लिए अब सिर्फ आपके पास यही वाली जगह बची है, तो Z को रख दो यहां पर। अब एक ही नाम आपके पास बचा हुआ है, तो वो नाम कौन सा था दोस्तों, देख लेते हैं। LMNO WXYZ, L बचा हुआ है, L को रख देते हैं टॉप पे, तो सारे नाम तो सेट हो चुके हैं। अब हमको सिर्फ और सिर्फ क्या सेट करना है, ये जो गेम्स के नाम है इनको सेट करना है। तो गेम्स के नाम में देखो दोस्तों, हम TT जो है वो L और O में नहीं रख सकते, ठीक है भाई, TT तो L और O में वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो TT कहां पर हो सकता है? TT M और Y के बीच में होना चाहिए, M और Y के बीच में TT, ये इन दोनों जगह में से किसी एक पर हो सकता है। तो W में हो सकता है क्या TT? W and TT बोला था ना, TT इज नीदर प्लेड बाय L नॉर O, हु इज नॉट द यंगेस्ट, O इज हु इज नॉट द यंगेस्ट, ठीक है। मेरे हिसाब से तो दोस्तों जो W है वो TT नहीं हो सकता, TT यहीं पर आना चाहिए, क्योंकि आपको कंडीशन एक जो दी हुई थी ना उसमें W एंड TT बोला था, वन ऑफ देम इज W एंड वन ऑफ देम इज TT, ऐसा बोला था ना, तो एक W है एक TT है। अब क्या बच गया दोस्तों आपके पास? W स्केटबोर्ड नहीं खेलता, अगर W स्केटबोर्ड नहीं खेलता तो स्केटबोर्ड यहां पर आ जाएगा। अब एक गेम और कौन सा बच गया दोस्तों, देख लेते हैं यहां पर कौन सा गेम बचा हुआ है। तो हमारे पास गेम बचा हुआ है डूम। तो डूम क्या होता है गेम नहीं पता मेरे को। ठीक है आंसर चेक करते हैं। LOMZ WYNX, बेसबॉल कबड्डी जूडो TT, बेसबॉल कबड्डी जूडो TT, डूम स्क्वैश फोर्टनाइट स्केटबोर्ड, डूम स्क्वैश फोर्टनाइट स्केटबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए दोस्तों, 3 मिनट का समय है, जल्दी बनाने की कोशिश करिए।
चलिए दोस्तों, डन के मैसेज तो आ रहे हैं। नेम्स एकदम बेकार। अरे नाम वाले पजल बेकार होते ही हैं, वो तो मतलब बरसों से चला आ रहा है। एक क्वेश्चन और दे देता हूं दोस्तों, आप लोग पहले एक बार बना लीजिए, उसके बाद दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। इसमें भी 3 मिनट का समय दे रहा हूं, इसको भी एक बार बना लीजिए, दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा फिर मैं। कन्फ्यूजन हो गया नाम में, ये नाम वाले क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं। दोस्तों डेली सुबह 9 बजे फ्री क्लास हो रही है अनअकैडमी पर, कल भी सुबह 9 बजे फ्री क्लास होने वाली है। अगर आप में से कोई भी अभी नया स्टूडेंट है जो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मेरी प्रोफाइल सर्च कर लीजिए अंकुश लांबा और फॉलो कर लीजिए, और सुबह 9 बजे फ्री क्लास होती है उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप फॉलो करके रखोगे तो। प्रोफाइल फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। 9 AM फ्री क्लास मेंस लेवल की होगी, ठीक है। तो मेंस लेवल की मैं क्वेश्चंस उसमें करवा रहा हूँ अभी, तो कल सुबह 9 बजे फिर से एक मेंस, आज पहला सेट हुआ था, कल दूसरा सेट होगा, ठीक है। प्लस का कोर्स बता दीजिए, प्लस का कोर्स जो है 3 कोर्सेज चल रहे हैं। एक प्री का चल रहा है, सुबह 10 बजे होती है जिसकी क्लास, एक रात को 8:30 बजे चल रहा है जो कि अभी बस स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, जैसे ही ये ख़त्म करूँगा उधर स्टार्ट करूँगा तुरंत, 8:30 तक वेट नहीं करूँगा। अगर ये 5 मिनट में ख़त्म हो गई क्लास तो 5 मिनट में ही स्टार्ट कर दूँगा। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं, उम्मीद करता हूँ सॉल्व करने की कोशिश की होगी आप लोगों ने। जिनसे नहीं बना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, पहले इसी बना देता हूँ। चलो क्या बोल रहा है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, सम ऑफ द पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ द पर्सन हुज इन्फॉर्मेशन इज गिवन, ठीक है, कुछ फलाना फलाना बोला तो है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एच इज सेम एज टू द पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एच, एच के लेफ्ट और राइट में सेम है, मतलब एच जो होगा वो मिड पे होगा, मिड पे, तभी इसके लेफ्ट और राइट में सेम पर्सन बैठे हुए हैं। The number of persons sitting to the left of I is equal to the number fourth to left of G and somewhere right of, क्या बोलना चाह रहा है यार। The number of persons sitting to the left of I के left में जितने भी लोग हैं is equal to the number fourth to the left of G and somewhere right of H, कुछ गलत है क्या यार क्वेश्चन में।
जी सीट्स राइट ऑफ आई, जी जो है वो आई के राइट साइड में है। ओनली 5% सीट बिटवीन एच एंड आई, एच और आई के बीच में सिर्फ 5 लोग बैठते हैं। पर्सन सीट बिटवीन जी एंड एम इज 17, जी और एम के बीच में 17 लोग बैठते हैं। एंड वन ऑफ देम इज सिटिंग एट द एंड बट नॉट बोथ, इन दोनों में से कोई एक एंड पे बैठा होगा। एम सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम आई, एम जो है वो 2 प्लेसेस अवे है आई से, मतलब आई से एक छोड़कर एम होगा। एज मेनी पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में जितने हैं। एज इक्वल टू द पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एन, उतने ही जे और एन के बीच में बैठे होंगे। जे सिट थर्ड टू राइट ऑफ एच, जे जो है थर्ड टू राइट में एच से, 1, 2, 3 छोड़कर ये हो गया जे। ये वाली लाइन समझ में नहीं आई यार, ये क्या लिखा हुआ है, कुछ नया टाइप का देखने को मिल रहा है। कुछ नई टाइप की लाइन देखने को मिली है पिछले 6 सालों में। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आई इज इक्वल टू द नंबर फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी। एक काम करते हैं, जी को इस एंड पे लेते हैं, जी से 17 छोड़कर एम है, इसको पहले हटा देते हैं। जी से 17 छोड़कर एम है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एम। अब दोनों एंड पे नहीं बैठे हैं तो एम की इधर एक तो होना चाहिए एटलीस्ट, कोई एक एंड पे था क्योंकि, तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब हमको पता है M से एक छोड़कर I रखना है हमको, तो M से एक छोड़कर I इस तरफ ले लेते हैं ऐसा, तो ये वाली कंडीशन हो गई। I से 3, 4, 5 छोड़कर H होना चाहिए, I से 1, 2, 3, 4, 5 छोड़कर H होना चाहिए। अब H के राइट में देखो कितने हैं, 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10, तो H के लेफ्ट में भी 10 होने चाहिए, 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10, ये 10 लोग हो गए इसके लेफ्ट में, तो H जो है वो मिड पे आ गया, ये वाली कंडीशन भी हो गई। I के लेफ्ट में जितने हैं, तो I के लेफ्ट में 4 लोग हैं, आई के लेफ्ट में 4 लोग हैं, ठीक है। एम के लेफ्ट में जितने लोग हैं, 2 लोग हैं एम के लेफ्ट में, उतने जे और एन के बीच में होने चाहिए, तो जे और एन के बीच में 2 लोग होने चाहिए। कैसे रखेंगे यार, यहाँ पर तो कोई जगह ही नहीं है। सम ऑफ द पर्सन्स सिटिंग टू द राइट ऑफ द पर्सन हुज इंफॉर्मेशन इज गिवन। क्या होगा यार, इसमें समझ नहीं आ रहा है। किसी कुछ समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, या तो क्वेश्चन में गड़बड़ी है, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। देखो जी के फोर्थ टू लेफ्ट में कुछ तो बोला है, यहां पर जी के फोर्थ टू लेफ्ट ऐसा कुछ बोला है। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, मतलब जी से फोर्थ टू लेफ्ट में कोई आएगा, 1, 2, 3, 4 फोर्थ टू लेफ्ट में जे और एन में से कोई एक आएगा, और 2 छोड़कर फिर जे और एन में से कोई एक यहां पर आएगा। अच्छा, जे सीट थर्ड टू राइट ऑफ एच, ठीक है, जे सीट थर्ड टू राइट ऑफ एच हो गया सॉल्व दोस्तों, कुछ नहीं था वो, कंफ्यूज करने के लिए दिया था। एच से फर्स्ट सेकंड थर्ड में जे बैठा हुआ है, 2 छोड़कर एन, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ नहीं था, फालतू बकवास की कंडीशन दी हुई थी। तो 2 छोड़कर एम, 1 छोड़कर आई, 2 छोड़कर एम, 1 छोड़कर आई, फिर 3, 2, 5 छोड़कर एच, 3, 2, 5 छोड़कर एच, 2 छोड़कर जे, 2 छोड़कर एन, 2 छोड़कर जे, 2 छोड़कर एन, 3 छोड़कर जी, 3 छोड़कर जी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है।
पिछले वाले क्वेश्चन को देखते हैं इसको, चलो इसको छोड़ देते हैं दोस्तों अब क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है, तो इसको बाद में कर लेंगे। आप लोग बना लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया हो तो एक बार आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है, ये होमवर्क है मान लीजिए। इसको कुछ नहीं है, सिर्फ नाम में कन्फ्यूजन है और कुछ नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बट बस वही है नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आराम से बनाओगे तो बन जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, अगर आप में से कोई भी बेसिक से सारी चीज़ें सीखना चाहता है तो अनअकैडमी प्लस का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोस्तों, AL10 ये कोड याद रखिएगा, इसको यूज़ कर लीजिएगा, आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट अनअकैडमी पर मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। और जितनी भी क्लासेस हैं मैथ्स रीजनिंग जीके इंग्लिश सारे टीचर्स की, सारे सब्जेक्ट की, पिछले पूरे 4-5 सालों से जब से अनअकैडमी चल रहा है, अनअकैडमी प्लस जब से चालू हुआ है, तब से आज तक जितनी क्लासेस हमने ली है वो सारी क्लासेस एक्सेसिबल रहेगी आपके लिए। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल तक आप सारी क्लासेस देख सकते हैं, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 साल तक आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। 1 साल और 2 साल के प्राइस में दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अप्रॉक्स 1200-1400 रुपये का फ़र्क है सिर्फ, तो रिकमेंड मैं यही करूँगा 2 साल का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि 6 से 8 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं बिगिनर्स को समझते समझते कि करना क्या है, तो इसलिए 2 साल का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो, नहीं चाहते तो फ्री क्लासेस जो हो रही है आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं दोस्तों, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर प्लस क्लास में।